ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन के इस लाइव सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं कल से हमने इस कार्यक्रम को चला रखा है कि आपको योग थेरेपी के विभिन्न आयाम बताएंगे, दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे। फिर आप जितने हो सकते हैं घर में आप करके देखिए, करने का प्रयास कीजिए। कल हमने आपको कटिवस्थी, जानुवस्थी और कर्णपूरण आदि चीज़ों का प्रैक्टिकल दिखाया था। और उसके अलावा आज हम जो चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं वो चीज़ें हैं, सबसे पहले अक्षी तर्पण दिखाएंगे आज आपको नस्य कर्म दिखाएंगे। कल आपको हृदय वस्ती दिखाई थी, कटी वस्ती, जानु वस्ती और एक कर्णपूरण दिखाया था। आज आँखों के लिए बताएंगे अक्षी तर्पण कैसे करते हैं महात्रिफलादि घृत से, और एक बताएंगे नस्य कर्म। हमारे भारत में धूम्र चिकित्सा या धूमपान की व्यवस्था रही, धूम्रपान की नहीं रही, न तंबाकू को पीने की, न किसी और नशीले पदार्थ को बीड़ी सिगरेट आदि में डाल करके लेने की कोई परंपरा नहीं रही है। जबकि औषधियों को अग्नि में उसका धूम्र, उसका धुआं खींच करके स्वास्थ्यप्रद मतलब चिकित्सा की दृष्टि से उसको किया जाता था। आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त में इसका विधान किया हुआ है, तो वो कैसे होता है नस्य वह भी आज देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए अक्षी तर्पण को आज देखते हैं, अक्षी तर्पण कैसा होता है। देखिए कवर पेज में भी आपको दिख रहा है। इसमें सबसे पहले हम उड़द की दाल को पीस करके उसका आटा बना लेते हैं। उसकी इस प्रकार की लेयर बड़ी मोटी सी हो करके पूरा ऐसा घेरा बना लेते हैं और उसको आँखों पर लपेट देते हैं। साइड से रुई की तरह से पूरा ऐसा कर देते हैं कि ये वाटरप्रूफ हो जाए। फिर इसमें हमने जो लिक्विड डाला है यह लिक्विड कहलाता है, इसको महात्रिफलादि घृत कहते हैं। आयुर्वेद की औषधियों में इसकी गिनती होती है। घी में त्रिफला की, हरड़, बहेड़ा, आंवला की भावना देकर के देखो कैसे तैयार किया हुआ, ठीक है। तो इसको आंखों में डालते हैं और आंखों को झपकाते हैं बार बार, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार, क्लॉकवाइज 10 बार ऐसे चलाते हैं जिससे कि ये पूरा अंदर आँखों में अंदर तक उतर जाए, आँखों को पोषक तत्व मिले आँखों को और आँखों की शक्ति बढ़ जाए। किसी भी प्रकार की आँखों की लगभग जितनी भी समस्याएं होती हैं जिनका ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है उन लोगों को विशेष रूप से इस अक्षी तर्पण को करवा करके उनकी आँखों की रोशनी बढ़ाई जाती है। आयुर्वेद के वैद्य लोग भी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए शतावर का चूर्ण या जिसको हम कहते हैं यह महात्रिफलादि घृत आदि और भी कई सारी औषधियाँ देते हैं, अमल की रसायन आदि। तो इस तरह से ये अक्षी तर्पण देखो अंदर से आँखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। थोड़ी देर इसको किया जाता है, इसको आप देख करके आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर आप घर पर करें तो आई वॉश के कप आते हैं अलग से, उन आई वॉश के कप्स में करें। ऐसे तो आपको चिकित्सालय में ही करवाया जाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा घर पे, लेकिन आप आई वॉश के आई कप होते हैं उनमें आप करें। तो ये अक्षी तर्पण नाम की क्रिया अभी हमने देखी। अब हम इसके बाद एक और अभी क्रिया देखने वाले हैं। देखिए चला रहे ना आँखें, चलती रहें, जब तक आँखें चलती रहेंगी अच्छी मूवमेंट होता रहेगा तब तक इसके अंदर घी त्रिफला से युक्त जो वह भीतर जाता रहेगा और आँखों को हमेशा शक्ति प्रदान करता रहेगा, पोषण प्रदान करता है। ये अक्षी तर्पण कहलाती है। योग चिकित्सा के कई सारे अंगों में एक अंग यह अक्षी चिकित्सा या अक्षी तर्पण चिकित्सा कहलाती है। यह आज आपको प्रैक्टिकल स्वामी न्यूज़ के चैनल पर दिखा रहे हैं। कल भी दिखाया था जानुवस्ती, कटिवस्ती, हृदयवस्ती और बताया था जिसको हम कर्णपूरण कहते हैं। अभी देखो इनके घी को पहुंचने के लिए रुई लगा दी, अब इसको अक्षी तर्पण को हटाते हैं। अब देखो आप देखेंगे हम नस्य कर्म। आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त नाम का एक प्रकरण है,
उसमें कहीं पर भी नशीली चीज़ों को लेने की व्यवस्था नहीं है। ये देखो अभी चिल्म चिल्म का जो बर्तन है इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ रखी हुई हैं। कोई तंबाकू नहीं है, कोई कॉफ़ी नहीं है, अथवा ना ही कोई दूसरी नशीली और नुकसान वाली वस्तुएँ हैं। इसमें मुलेठी का क्वाथ है और भी अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं उनका मिश्रण है, और साथ में आप देख रहे हैं स्टीमर भी रखा हुआ है। तो इसमें चिल्म की जो है उसमें आपको पाइप में रुमाल लगा करके इसको भीतर खींचना होता है। जैसे ही आप भीतर खींचेंगे जैसे साइनोसाइटिस जो साइनस होता है उसकी बीमारी साइनोसाइटिस वह दूर होती है, सिर का दर्द हेडेक दूर होता है, माइग्रेन पेन दूर होता है, इन सब बीमारियों में विशेष रूप से लाभ होता है। इसीलिए यह नस्य कर्म या फिर धूम्र चिकित्सा या धूमपान ये विशेष रूप से लाभदायक होती है। अलग अलग विशेष विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को इसका इससे भी चिकित्सा दी जाती है। ये देखो नाक से भर रहे हैं मुंह से बाहर छोड़ रहे हैं, नाक से भर रहे हैं मुंह से बाहर छोड़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो यह धूम चिकित्सा या नस्य कर्म कहलाती है, धूम्र चिकित्सा। हम यज्ञ चिकित्सा में भी इसका अभ्यास करवाते हैं। यज्ञ के जो अंगारे होते हैं उन पर हवन की अलग अलग विशेष प्रकार की औषधीय सामग्रियाँ डाल करके उसको भी सुंगाते हैं, उससे बीमारियाँ दूर होती हैं। तो आज के सत्र में फिलहाल हम इस प्रैक्टिकल वाले भाग को यहीं पर पूरा करते हैं, और अब देखो ये धूम चिकित्सा के बाद वापस पहले वाले जो अक्षी तर्पण था उसमें भी आंखों की सफाई हो गई। चलिए तो ये आज हमने देखा अक्षी तर्पण और धूम चिकित्सा या धूम्र चिकित्सा जिसको हम नस्य भी कहते हैं, कैसे इनसे अलग अलग रोगों का निवारण होता है, दो चीज़ों को आज भी देख लिया, चार कल देखी, दो आज देखी, आगे भी और भी देखेंगे। तो आज में आज के कार्यक्रम में इतना ही। शांति पाठ। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर।